Hello everyone, hey guys, what's up? What's up all of you? क्या हाल चाल है सबके? Welcome, welcome all of you. Hey guys, कैसे हो आप सब लोग? How is everyone doing today? Welcome, welcome, welcome all of you. Good evening. So guys, जितने लोग भी इस समय live हैं, which part of the country are you guys joining us from, guys? आप लोग कहाँ कहाँ से हमें join कर रहे हैं? कौन कौन सी सिटीज से, कौन कौन से स्टेट से आप लोग हमको ज्वाइन कर रहे हैं? इफ यू कुड जस्ट शेयर दैट विद अस, इट विल बी ग्रेट. हाय दिव्या, दिव्या इज फ्रॉम कोल्हापुर, राठौड़ फ्रॉम कश्मीर. क्या बात है, हमारे राठौड़ 4G आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए सबसे पहले. मनाली, आप मनाली इज फ्रॉम मुंबई, मुझे याद है. आई थिंक मनाली आप हमारे पुरानी लर्नर हैं और ये मैं जो पहले मार चुका हूँ कि मनाली मुंबई से हैं. ओके, एंड देन वी हैव साइकाथ हु इज फ्रॉम त्रिपुरा. ग्रेट, ऑसम ऑसम ऑसम, सबका बहुत बहुत स्वागत है. हाँ गाइज, आप लोग मेरे नए हेयर स्टाइल पे हंस सकते हैं, कोई नहीं, कुछ दिनों में वापस से बाल उग जाएंगे. राइट, सो गाइज, दिस इज अ न्यू इनिशिएटिव विच वी आर स्टार्टिंग ऑन अनअकैडमी आर्टिकुलेट. ठीक है, सो अनअकैडमी आर्टिकुलेट जो है वो हमारी मैगजीन है. इट इज अ मंथली मैगजीन विच ऑब्वियसली एज द नेम सजेस्ट इट्स अ मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन फॉर यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन. राइट, काफी समय तक इसके इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर मोनोपोली थी, विजन आईएएस, इनसाइट्स आईएएस, वाजीराम वगैरह के ऊपर. एंड आई थिंक यू नो वेरी कॉम्पिटिटिवली अनअकैडमी हैज कम अप विद इट्स ओन आर्टिकुलेट, दैट इज द मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन. एंड इन दीज क्लासेस जो मैं लेने वाला हूँ एट 5 PM डेली, मंडे टू फ्राइडे, आई वुड बी कवरिंग दी टॉपिक्स फ्रॉम अनअकैडमी आर्टिकुलेट इन अ वेरी वेरी सीमलेस मैनर. ठीक है, सो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे सेप्टेम्बर मंथ की. इट माई टेक कपल ऑफ दो या तीन क्लासेस टू कवर वन मंथली यू नो मैगजीन फ्रॉम अ पर्टिकुलर मंथ, बट इट्स ओके, वील टेक दैट टाइम बिकॉज वी नीड टू फिनिश द टॉपिक्स अप in a very quick you know quick manner, yet it should not become very very hasty. So September month ka jo monthly current affairs hai hum log aaj cover karne wale hain is particular 1 ghante ki class mein. So sab log tuned in rahiyega. Before we do that, aap logon ke liye mere paas announcement hai. The announcement is that Unacademy jo hai wo bahut sare courses aaj hi launch kar raha hai. New batches are being launched for Unacademy for UPSC CSE aspirants of 2021 2022 and 2023 starting on the 17th of March. ठीक है, 1 year batch for UPSC CSE 2022 with complete syllabus coverage, live classes by top educators, weekly doubt resolution sessions, NCERT prelims test series and PYQs mock test practice questions are available in Hindi language, in English language as well as English language. ठीक है, 2 year के भी कोर्सेज हमने लॉन्च किए हैं एंड वी आर ऑल्सो लॉन्चिंग क्रैश कोर्सेज फॉर 2021. ठीक है, प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए सबसे पहले. सब लोग यार थोको थोको ताली नहीं, ताली तो बजाते रहना, थोको लाइक पहले, थोको लाइक. और अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हो अनअकैडमी प्लस टू बी टॉट बाय सम ऑफ द टॉप एजुकेटर्स ऑफ द कंट्री लाइक दीज, विच इंक्लूड्स अ लॉट ऑफ फॉर्मर आईएएस आईआरएस आईपीएस ऑफिसर्स एज वेल एज सम ऑफ द वेरी you know esteemed faculty of the various coaching institutes. Subscribe to Unacademy Plus. You have the option to subscribe to Plus or Iconic subscription. The prices are a little different. Iconic subscription mein aapko mentor bhi milta hai, personalized mentor milta hai, so there's a premium to be paid for that. Aap optional bhi subscribe kar sakte hain and you can have a combo offer. On all of these you can get a 10% discount using my referral code VCHLIVE. So go to Unacademy Learning app or the website, click on get subscribe and use my referral code VCHLIVE. Using this VCHLIVE,
VCH Live. You can get a 10% discount. And last but not the least, the announcement is about 21st of March, जब आपका इंडिया का बिगेस्ट फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट अनअकैडमी कॉम्बैट वुड बी कंडक्टेड, जहां पे आप लोग जीत सकते हैं आपका स्कॉलरशिप वर्थ 4 करोड़ रुपीज. एनरोल करने के लिए आप लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, लिंक वुड बी इन द डिस्क्रिप्शन बिलो अनअकैडमी कॉम्बैट का. एंड अगेन द कोड VCHLIVE वुड बी यूटिलाइज टू अनलॉक दिस फ्री टेस्ट एज वेल. ठीक है, राइट, विद दैट लेट्स क्रैक इट, लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन देन. कम ऑन, आ जाइए. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द मंथ राइट ऑफ सितंबर. ठीक है गाइस, एक चीज देखते हैं पहले. लेट्स टेक अ बर्ड्स आई व्यू. द वेरियस टॉपिक्स दैट वी विल बी कवरिंग वुड बी फ्रॉम पॉलिटी सच एज आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल, नोटिफिकेशन रूल फॉर जम्मू कश्मीर, राइट, ट्रांसपोर्टेशन इनिशिएटिव फॉर एशिया एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. देन वी लुक एट सम ऑफ द स्कीम्स, द लेबर रिफॉर्म कोड बिल, फार्म बिल्स. दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू बी यू नो स्टडीड. Then we have international development, we have social justice and development, we have economy, we have environmental and disaster management, science and technology, internal security, diversity, art and culture. So मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, बताइए इनमें से कौन से टॉपिक से हम लोग स्टार्ट करें. जस्ट तेजी से कमेंट करिए, विल स्टार्ट आर डिस्कशन फ्रॉम दैट ब्रॉड एरिया. डू यू वॉन्ट मी टू स्टार्ट विद साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डू यू वॉन्ट टू स्टार्ट एनवायरमेंट, डू यू वॉन्ट स्टार्ट विद इकॉनमी, social justice and development, international affairs, schemes and acts, or polity and governance. Okay, हमारे बीच में काफी सारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एनवायरमेंट के को सपोर्ट करने वाले लोग हैं. तो चलिए कोई वो नहीं है, लेट्स स्टार्ट विद द एनवायरमेंट एंड मैनेजमेंट. लेट्स स्टार्ट विद द एनवायरमेंट एंड मैनेजमेंट. ठीक है, पेज नंबर 80, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग एनवायरमेंट से ही स्टार्ट करते हैं और फिर चलेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर. सो टुडे विल स्टार्ट विद एनवायरमेंट एंड देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी. सो गाइस, व्हाटएवर आई एम शोइंग यू ऑन द बोर्ड, आई होप इट इज ऑल विजिबल. आई होप जो भी हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं ये आपको विजिबल हो रहा है. जस्ट एक बार कमेंट कर दीजिए सो दैट आई एम रेस्ट अश्योर्ड दैट द टेक्स्ट इज विजिबल टू यू गाइस. यस, और तेजी से करेंगे. आई विल एक्सप्लेन द थिंग्स जो रेलेवेंट है प्रीलिम्स मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से. विल बी कवरिंग इट इन दैट मैनर. परफेक्ट, विजिबल है, ऑसम. चलो ऑसम. सो गाइस, फाइटोप्लैंक्टन्स बायोमास जो है बे ऑफ बंगाल में पाया गया है. बे ऑफ बंगाल हमें पता है ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में पाया जाता है. व्हाट आर फाइटोप्लैंक्टन्स? फाइटोप्लैंक्टन्स इज एन काइंड ऑफ एन ऑर्गेनिज्म व्हिच इज हैविंग द कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग द फोटोसिंथेसिस. ठीक है, इट्स अ प्लैंक्टन स्पीशीज जो फाइटो मतलब कि फोटोसिंथेसिस करने के लिए सक्षम होता है. इट्स एबल टू प्रोड्यूस फूड ऑन इट्स ओन. बाय द वे गाइस, जिनको ब्लर दिख रहा है एक बार आप अपने सेटिंग्स में जाइए, गो टू योर सेटिंग्स एंड चेंज द विजुअल सेटिंग्स टू योर 720p या 1080p जो भी बेस्ट है, या फिर 480p भी अगर है तो इट विल बी बेस्ट. क्योंकि हो सकता है आपके सेटिंग्स जो है ना बिकॉज ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी माइट बी अ लिटिल लेस. सो अगर आपको ब्लर दिख रहा है इट इज मोर टू डू विद दी विजुअल सेटिंग्स ऑफ योर यूट्यूब. सो एक बात प्लीज, जो लोग मेरे को बोल रहे हैं कि जूम करूं और प्लीज जस्ट लेट मी नो कि अगर आप एक बार यू नो मैं जूम करूंगा बीच बीच में व्हेन आई हैव टू हाईलाइट समथिंग आई विल जूम इट अ लिटिल बिट मोर. बट प्लीज एक बार अपना विजुअल सेटिंग चेंज कर लीजिए बिकॉज दैट वे इट विल बी बेटर. कूल, दिव्या ठीक है, राठौड़ अब ठीक है, इज इट फाइन नाउ? चलिए ओके राइट. सो रिसर्चर्स हैव डेवलप्ड अ वे टू मेजर द क्वांटिटी ऑफ क्लोरोफिल. वही बात हो रही है, क्लोरोफिल है तभी फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं. In the Bay of Bengal in real time. So, हम जानते हैं chlorophyll is the pigment which is found in plants and phytoplanktons, right? And therefore, आपका ये research जो INCOIS ने निकाली है, उसने ये observe किया है that आपके chlorophyll, right? उसको उसकी उसकी quantity को पाने की technique उनने पाली है. ठीक है? So, in situ as well as satellite data को utilize करके, satellite imagery use करके और इन सीटू मतलब कि वहां पर असली में जा करके, ठीक है ना, वहां पर असली में जा करके और इन सीटू प्रोसेस को देख करके आप ऑब्जर्व कर सकते हो
इंक्रीज इन क्लोरोफिल राइट आपका ड्यूरिंग दी प्री साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन. ठीक है ठीक है. सो यही बात करी जा रही है कि अपवेलिंग, विंड इंड्यूस्ड वर्टिकल मिक्सिंग, कन्वेक्टिव ओवरटर्न एंड केमिकल्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज बिकॉज फ्रॉम द रिवर कुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इंक्रीज क्लोरोफिल. वॉट इज अपवेलिंग? अपवेलिंग क्या होता है? When the water from down under comes up, right? There's a intermixing and minerals when they intermix, there's a greater phytoplanktons का growth. Plankton and phytoplanktons बढ़ते हैं. ठीक है? हमें आपको ऐसे बता रहा हूँ. Phytoplanktons are tiny microscopic plants found in the oceans. They are ecological indicators that regulate life in the ocean. इनकी अच्छी quantity होना आपके it's good for the environment as well. ठीक है? But because phytoplanktons contribute to more than half of the oxygen that we breathe, तो आप imagine करो, phytoplanktons अगर endangered हो जाएंगे, तो oxygen की कमी और बढ़ सकती है, ठीक है ना? They consume carbon dioxide and release oxygen, that is, they are photosynthetic in nature, ठीक है ना? Okay, and therefore they serve as the foundation of the aquatic food web. Aquatic food web जो होगा, उसका बिगिनिंग वुड बी बिकॉज दे वुड बी द प्रोड्यूसर्स इन दैट फूड चेन. उस पूरे फूड चेन में ये आपके प्रोड्यूसर की तरह से एक्ट करेंगे. अब यह क्लोरोफिल क्या होता है इतने में मैं नहीं जाने वाला हूँ. ठीक है ओके. क्लोरोफिल तो आप जानते ही है क्या होता है. वॉट इज आई एन सी ओ आई एस इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ये समझ लेते हैं. ठीक है, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेस क्या है? इट इज एन ऑटोनॉमस बॉडी जो 1999 में स्टैब्लिश हुआ था अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस. अब देखो क्या होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में, दे कैन कंफ्यूज यू हियर. दे कैन गिव अ स्टेटमेंट दैट आई एन सी ओ आई एस इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. आप कहोगे हाँ हमने फाइटोप्लैंक्टन्स एनवायरमेंट के बारे में पढ़ा था, अरे एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, सही हो गया. इतना एक्साइटमेंट में जैसे अगर आप कूद कूद के आंसर अगर मेरी तरह करोगे तो गलत हो जाएंगे और मुंह की खाओगे. क्या हो जाएगा आपके साथ? -0.66. सो INCOIS वाज एस्टैब्लिश एज एन ऑटोनॉमस बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज एंड नॉट एनवायरमेंट और अदर मिनिस्ट्री. इट्स अ यूनिट ऑफ अर्थ सिस्टम साइंस ऑर्गेनाइजेशन एंड आपका ओशन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में, एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करने में ये बहुत 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 कारगर साबित होता है. साइंटिफिक कम्युनिटी जो है राइट, उनको ये एक उनका ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है बिकॉज ओशन साइंसेज ओशन रिसर्च में इट इज गोइंग टू बी दी लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन. अगला आर्टिकल है, दिस इज अ वेरी बिग सोर्स ऑफ कंसर्न. वर्ल्ड लॉस्ट 68% वर्टिब्रेट्स इन 1970 टू 2016 इज वॉट योर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड हैज मेंशन. दिस इज बैड. वर्टिब्रेट आप समझ रहे हो दुनिया में 70% से कम हो गए. दिस इज वेरी वेरी बैड. तो ये कौन सी रिपोर्ट है? लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट जो 2000 में निकली. गाइस प्लीज ये याद रखिए, दिस इज अ प्रीलिम्स फैक्ट. लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट इज अ रिपोर्ट रिलीज बाय WWF. कंफ्यूज करने के लिए दे विल गिव यू द ऑप्शंस एज UNEP. समझ रहे हो आप लोग, UNEP वगैरह की तरह से आपका ऑप्शन दे सकते हैं. So, WWF ने जो ये निकाला है उसने ये बोला है कि द पॉपुलेशन ऑफ वर्टिब्रेट स्पीशीज, व्हाट आर वर्टिब्रेट स्पीशीज, जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है राइट, बिकॉज नॉट एवरी स्पीशीज हैज अ रीढ़ की हड्डी. जैसे आपका इफ यू लुक एट कौन होता है ये, हाँ अर्थवॉर्म. ठीक है, इफ यू हैव अर्थवॉर्म राइट इट विल नॉट हैव अ रीढ़ की हड्डी. ठीक है, सो द वर्टिब्रेट्स आर दो स्पीशीज विच हैव अ रीढ़ की हड्डी और द वर्टिब्रेल कॉलम इज देयर. उनकी क्वांटिटी लगभग 70% से कम हुई है एंड विच इज अ बिग सोर्स ऑफ कंसर्न. As per this report, the wild population in freshwater habitat also suffered a decline of 84%, equivalent to 4% per year. 4% से हर साल aquatic हमारे जो freshwater habitat के animals हैं, उनकी population भी कम हुई है. ठीक है? Okay. हाँ. And ये भी बोला गया कि जो large fishes हैं, वो भी बांध यानी कि डैम कंस्ट्रक्शन के वजह से बहुत ज्यादा नेगेटिवली इंपैक्टेड हुए थे. ठीक है, देखिए व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स फॉर द डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन. लैंड यूज चेंज हुआ है, हम लोगों ने ह्यूमंस ने लैंड का उपयोग चेंज किया है, नेचुरल हैबिटेट का लॉस किया है, डिफॉरेस्टेशन किया है, डिग्रेडेशन किया है एंड क्लाइमेट चेंज ऑब्वियसली इज वन ऑफ द मेजर सोर्सेज ऑफ द
कंसर्न फॉर द वर्ल्ड. व्हाट इज WWF? इट इज द वर्ल्ड लीडिंग कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो 1961 में एस्टैब्लिश की गई थी, और इसका हेडक्वार्टर्स का इट इज इन ग्लैंड स्विट्जरलैंड. ठीक है ना? सो ग्लैंड स्विट्जरलैंड इज द प्लेस वेयर द हेडक्वार्टर्स इज ऑफ योर WWF. ठीक है ना? इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि डाइवर्सिटी ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ को हम बचा करके रखें. ठीक है? एंड एज आई टोल्ड यू, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट इज अ रिपोर्ट विच इज रिलीज एवरी 2 ईयर्स. हर साल नहीं रिलीज होती है, इट्स अ बाय एनुअल. ठीक है ना? बाय एनुअल यानी कि हर 2 साल रिलीज होती है. ठीक है? 8 इंडियन बीचेस रिकमेंडेड फॉर द ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन. तो पहली बार समझते हैं कौन से हैं एंड व्हाट इज ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन. द 8 बीचेस आर दीज. इसको थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ, यू गाइस कैन जस्ट सी. शिवराजपुर इन गुजरात, घोघला इन दमन एंड दीव, कसारकोड एंड पाडुबिद्री इन कर्नाटका, कप्पाड इन केरला. ठीक है ना? ओके, याद रखिएगा इस कसार कोड है, कसार GOD इज अ डिफरेंट बीच जो केरला में पाई जाती है, वो भी न्यूज में रही है. ठीक है ना? प्लीज डोंट कंफ्यूज बिटवीन द टू. KSARKOD इज डिफरेंट फ्रॉम KSARGOD. कसार गोड इज डिफरेंट, कसार कोड इज डिफरेंट. कपाड इन केरला, ऋषिकोंडा इन आंध्र प्रदेश, गोल्डन बीच ऑफ ओडिशा एंड राधा नगर बीच ऑफ अंडमान निकोबार. वॉट इज ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन? इट इज सर्टिफिकेशन दैट कैन बी ऑब्टेन बाय अ बीच, अ मरीना, राइट, और अ बोटिंग टूरिज्म ऑपरेटर, विच इज अ इको लेबल. प्लीज गाइज इसको याद रखिए, इट्स एन इको लेबल. इट शोज दैट आपका कितना इकोलॉजिकल सस्टेनेबल और कितना कंड्यूसिव फॉर द टूरिस्ट दैट पर्टिकुलर बीच इज. ठीक है? कौन रिलीज करता है? इट इज बाय अ डेनमार्क बेस्ड नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन, जिसका नाम है फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन. ठीक है ना? इन्वायरमेंटल एजुकेशनल सेफ्टी रिलेटेड एक्सेस रिलेटेड पैरामीटर्स को यूज करके ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन देता है. दे आर 33 टोटल क्राइटेरियाज, आपको सारे याद नहीं रखने हैं. ठीक है? एंड ये आपके FEE के मेंबर कंट्रीज को एनुअली डिफरेंट बीचेस में को दिए जाते हैं. ठीक है? आप देख सकते हो स्पेन के सबसे ज्यादा है इसके अंदर 566 सच बीचेस. इमेजिन करिए 566 सच बीचेस आर देयर इन स्पेन इटसेल्फ. ठीक है? सो दिस इज व्हाट योर ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन इज. ठीक है? और उसी जो एक इवेंट हुआ था, राइट, जब इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे मनाया गया था, द मिनिस्टर ऑल्सो लॉन्च एन इको लेबल कॉल्ड एज बीम्स. दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू. BEAMS स्टैंडिंग फॉर बीच एनवायरमेंट एंड एस्थेटिक मैनेजमेंट सर्विसेज. अब ये क्या है भाई? व्हाट इज बीम्स? बीम्स ये है, बीम्स इज बीच एनवायरमेंट एंड एस्थेटिक मैनेजमेंट सर्विस. MOEFC has initiated this program under the Integrated Coastal Zone Management. Objective is abate pollution in coastal water, promote sustainable development of beach facility, protect and conserve coastal ecosystem and natural resources, strive and maintain high standards of cleanliness, hygiene and safety for beach goers in accordance with coastal environment and regulation. ठीक है? So guys, this is what your BEAMS project intends to do. ठीक है? अगला हम लोग देखते हैं National Clean Air Program. Why has it been in news? ये news में इसलिए है क्योंकि NGT यानी कि National Green Tribunal has basically datofy whom Ministry of Environment over its report on the National Clean Air Program, which proposes 20-30% reduction in air pollution by 2024. ठीक है? So Ministry of Environment ने NGT को बोला है that National Clean Air Program के अंदर हम लोग 20-30% का pollution कम कर लेंगे by 2024. एनजीटी का भी व्यू ये है. ठीक है ना? हाँ, एनजीटी का ये है कि भाई आपको दैट देर आर रिक्वायरमेंट फॉर स्टर्न मेजर्स टू बी टेकन. सिर्फ ऐसे बोल देने से नहीं होता है, आप मेजर भी तो लो विच शो दैट ऐसा कुछ हो सकेगा. ऐसे हवा में बोल देना कि भाई हम इतना ज्यादा रिड्यूस कर देंगे एयर पोल्यूशन इज समथिंग which reduces the trust of the people, because the people will start to feel that अरे सरकार भी तो झूठी बोल रही है, हम भी बस और हेल्प क्यों करें. ठीक है ना? So NGT suggested reviewing and taking action in terms of shifting to e-vehicles, right, and CNG vehicles, intensifying the public transport systems, enhancement of public park facilities,
फ्यूल क्वालिटी को इम्प्रूव करना, ट्रैफिक मैनेजमेंट वगैरह करना, दिस इज वॉट योर एनजीटी बेसिकली सेट। ओके, अब यार जब हम बात कर ही रहे बहुत सारी बॉडीज की, तो लेट्स टॉक अबाउट एनजीटी ऑल्सो। वॉट इज एन एनजीटी? बहुत न्यूज में आता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये 2010 में बनाया गया था। इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, द एनजीटी एक्ट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट के अंदर बनाया गया था फॉर द स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेस अबाउट इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड कंजर्वेशन ऑफ अदर रिसोर्सेस। ठीक है, सो याद रखिएगा कि जो ट्रिब्यूनल है इट इज नॉट फंक्शनिंग अंडर द सीपीसी सीआरपीसी, इट वर्क्स अंडर द लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस। ठीक है, इट इज गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, इज दैट क्लियर? ओके, अब आप जब हम बात कर ही रहे हैं तो बात कर लेते हैं व्हाट इज दिस नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम एनसीएपी है क्या? 2019 में इसके लॉन्च किया था आपके राइट मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट ने, एंड ये स्टेट एंड सेंटर को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना चाहते हैं टू कम्बैट एयर पोल्यूशन। ठीक है, सो 2017 के कंपैरिजन में लगभग 20% मिनिमम एयर पोल्यूशन का रिडक्शन इज द टारगेट, ये याद रखिएगा, 20% मिनिमम बाय द ईयर 2024। इनिशियली अक्रॉस 23 स्टेट्स एंड टेरिटरीज 102 स्टेट्स को चूज किया गया है विच आर द नॉन अटेनमेंट स्टेट्स, मतलब जहां पे अभी तक पोल्यूशन कम नहीं हुआ है। ठीक है, इसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु नहीं है बिकॉज यू नो आपके मोस्ट ऑफ द स्टेट्स, मोस्ट ऑफ द सिटीज चोजन आर टायर टू सिटीज इन एडिशन टू दीज राइट। एंड एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम के एयर क्वालिटी डेटा के बेसिस पे इसको चूज किया गया था जहां पे बहुत पोल्यूशन था राइट। महाराष्ट्र हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ सिटीज चोजन फॉर द प्रोग्राम बिकॉज ऑफ पोल्यूशन बहुत ज्यादा रहा है। अगला है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ स्टबल बर्निंग। व्हाट इज स्टबल बर्निंग? स्टबल बर्निंग क्या होता है गाइस? डू कैन यू गाइस प्लीज कमेंट व्हाट डू यू मीन बाय स्टबल बर्निंग? स्टबल बर्निंग क्या होता है? सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताता हूं यार, जब आपका राइस को ग्रो किया जाता है, सो राइस की क्रॉप को हार्वेस्ट करने के बाद राइस की डंडियां होती हैं, या स्टॉक्स ऑफ राइस जो लही रह जाती हैं आपके क्या कहते हैं यू नो राइस फील्ड्स के ऊपर। अब बात क्या है, उनको मैनुअली निकालना बहुत टीडियस टास्क है, बहुत लेबर इंटेंसिव है। तो व्हाट डू द पीपल डू, व्हाट डू द फार्मर्स डू इज उसको जला देते हैं। उनको लगता है यार आसानी से खत्म करो। क्यों जला देते हैं? जल्दी से खत्म होगा ताकि जब रावी क्रॉप लगाना होगा, यानी कि गेहूं लगाना होगा फॉर इंस्टेंस, तो दे विल नॉट हैव टू वरी अबाउट द प्रीवियस स्टबल ऑफ राइस। तो ये पराली जला देते हैं, ठीक है ना। तो इन्वायरमेंट पॉल्यूशन प्रिवेंशन कंट्रोल अथॉरिटी राइट, ईपीसीए। अब ये ईपीसीए पुरानी बॉडी याद रखिए, दिस हैज बीन डिसॉल्व नाउ। ठीक है, एक नई बॉडी आ चुकी है, बट दिस इज सेप्टेंबर की न्यूज बाय द वे गाइस। सो ईपीसीए ने आपके सेक्रेटरीज ऑफ पंजाब, चीफ सेक्रेटरीज ऑफ पंजाब एंड हरियाणा को बोला है कि एड्रेस करें ये पराली बर्निंग का इशू। ठीक है ना, स्टबल बर्निंग क्यों होती है मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, इट्स अ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस इन वेस्टर्न यूपी, पंजाब एंड हरियाणा, एंड ये विंटर टाइम जब स्टार्ट होने वाला होता है अक्टूबर एंड नवंबर में, तब जलाया जाता है बिकॉज उसके बाद तुरंत आपके वीट को ग्रो करना होता है। व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट्स? या देखो CO2 हो, कार्बन मोनोऑक्साइड हो, सल्फर ऑक्साइड हो, ये सब यू नो आपका रिलीज होते हैं, देयरफॉर इट्स अ सोर्स ऑफ अ लॉट ऑफ पोल्यूशन राइट। उसके बाद टेम्परेचर्स ऑफ द सॉइल एलिवेट होते हैं, जिससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनसाइड द सॉइल डाई, मॉइस्चर इज लॉस्ट। ठीक है ना, देयरफॉर आपका किलिंग ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगल पॉपुलेशन इज क्रिटिकल फॉर द फर्टाइल सॉइल, तो फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इज गॉन राइट। एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो अपर लेयर ऑफ द सॉइल होते हैं, जो फ्रेंडली पेस्ट्स होते हैं, फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं, वो सब भी मर जाते हैं राइट। एंड आप देख सकते हो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम का भी लॉस होता है बाय बर्निंग, एंड देयरफॉर यू विल हैव टू इन द लॉन्ग रन यू विल हैव टू यू नो पुट इन नो मोर फर्टिलाइजर्स इनसाइड। नाउ व्हाट आर द सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम? देखिए बहुत सारे हैं। एक है एग्रीकल्चर मशीनरी, कैसे हैप्पी सीडर मशीन होता है जो सोइंग में हेल्प करता है। तो हैप्पी सीडर मशीन क्या करता है, साथ साथ सो करता जाता है और जो स्टबल है उसको साइड में करता जाता है या फिर निकालता जाता है। दूसरा है जीरो टिल सीड ड्रिल।
यूज फॉर लैंड पेनिट्रेशन डायरेक्टली सोइंग ऑफ सीड इन द प्रीवियस क्रॉप स्टबल। फिर रोटावेटर भी है, ठीक है, बालर मशीन भी है, पैडी स्टॉप चॉपर भी है, रीपर बाइंडर भी है, दिया गया मेनी सच काइंड ऑफ एग्रीकल्चर मशीन विच आर बींग यूटिलाइज, बट द प्रॉब्लम पर्टेन्स विद दिस इज दैट इज एक्सपेंसिव एंड देयरफॉर व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग इज राइट जो गवर्नमेंट व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग इज द फैक्ट इज दैट आपके एग्रीकल्चर मशीन जो हैं राइट उनको प्रोक्योर करते हैं एंड या तो रेंट पे या फिर बहुत जगह फ्री ऑफ कॉस्ट बिकॉज स्टबल बर्निंग की प्रॉब्लम है या बहुत सब्सिडाइज कॉस्ट पे फार्मर्स को एक साथ प्रोवाइड कर दिया जाती है। द इंसेंटिव टू द फार्मर फॉर नॉट बर्निंग रेसिड्यूल ये भी किया जा सकता है जैसे कि ट्रांसफरिंग मनी थ्रू डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर टू द फार्मर्स हु आर नॉट बर्निंग रेसिड्यू, ठीक है, ब्राइंग क्रॉप रेसिड्यू फ्रॉम द फार्मर्स एंड कन्वर्टिंग देम इनटू एनिमल फीड मैन्योर और इवन कार्डबोर्ड। सो जो आपका ट्राइंग टू शो टू द फार्मर्स दैट यार वो गड़बड़ वो खराब नहीं है उसका इकोनॉमिक वैल्यू भी एग्जिस्ट करता है। सो दिस आर ऑल द मेथड्स व्हिच हैव बीन सजेस्टेड। अब देखिए ईपीसीए तो मैंने आपको बताया था राइट, इट इज अ बॉडी विच इज मैंडेटेड टू रेगुलेट द ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान इन द एनसीआर रीजन, एनसीआर के दिल्ली एनसीआर रीजन के पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए ये बॉडी बनाई गई थी। नाउ दिस बॉडी हैज बीन डिसॉल्वड एंड रिप्लेस्ड बाय अ न्यू बॉडी। कैन यू गाइस कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो व्हाट इज द न्यू बॉडी विच हैज बीन फॉर्मड आफ्टर डिसॉल्विंग द ईपीएसी। बता सकता है कोई? ईपीसीए, सॉरी, यस CAQM, यस इट इज CAQM, द न्यू बॉडी विच हैज रिप्लेस्ड ईपीसीए, दिस इज द लेटेस्ट डेवलपमेंट, इज सेंटर फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, ऐसे करके कुछ है, सेंटर फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, CAQM, हाँ वही है, एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। सो दैट विल नाउ टेक अप द टास्क ऑफ योर ईपीसीए। वॉट इज सफर, हमने बीच में सफर की बात करी है, सफर स्टैंड फॉर सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च। ये एयर क्वालिटी वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंदर जो पोल्यूशन लेवल को आपका यू नो मेजर करता है एंड इट प्रोवाइड्स अस सिटी लेवल का पोल्यूशन रियल टाइम पोल्यूशन स्टेटस, ठीक है, ओके। अभी रिसेंटली क्या हुआ है वो तो अभी आई थिंक 2-3 दिन पुरानी न्यूज है, CAQM जो है वो बंद तो एग्जैक्टली नहीं हुई है, बंद क्या हुआ है कि उसको वो डिसॉल्व हो चुकी है एंड रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं हुई है। सो अभी यही चल रहा है, मे बी लोकसभा विल कम अप विद द लॉ टू रिकॉन्स्टिट्यूट द बॉडी। सो उसके ऊपर अभी काफी आर्टिकल्स 2 दिन पहले आए हैं, इनफैक्ट 2 डेज बैक ओनली CAQM के ऊपर भी आर्टिकल्स आए हैं दैट वो पुरानी बॉडी डिसॉल्व हो चुकी है एंड उसको उसका टेन्योर रिन्यू नहीं हुआ है या फिर नई बॉडी कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुई है। सो वही ऑर्डिनेंस लैप्स हो चुका है तो अब वही है कि पॉसिबली इन द पार्लियामेंट इट विल बी प्रोड्यूस्ड और या फिर ऑर्डिनेंस फिर से लाएंगे इसके ऊपर, ठीक है ना। Alright guys, next चले, next हमारा क्या है, next is controlling dengue using bacteria. So guys, dengue क्या है, is it bacterial disease, is it a viral disease, कैसी disease है, plasmodium based disease है, कैसी disease है, बताइए। Viral disease, ठीक है ना। सो बैक्टीरिया जो है वो इट्स अ वायरल डिजीज एंड एक तरीका है जो कहते हैं वॉलबैशिया मेथड, इसको यूज किया जा रहा है। व्हाट इज दिस वॉलबैशिया मेथड, क्या होता है, किसी को बता सकता है? बोला जा कि ये जो वॉलबैशिया मेथड है ये रिड्यूस कर सकता है अक्रेस ऑफ डेंगू इन दी ट्रीटेड पॉपुलेशन बाय 77%। पता है क्या वॉलबैशिया, लेट मी एक्सप्लेन, वॉलबैशिया इज अ नेचुरल बैक्टीरिया तो इंसेक्ट स्पीशीज में और कुछ मॉस्किटोज में 60% तक पाया जाता है, ठीक है, बट ये एजीज एगिपिटी मॉस्किटो में नहीं पाया जाता है यूजुअली, ठीक है ना, ओके। सो हाँ, सो एजीज एगिपिटीज इज द स्पीशीज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग ह्यूमन वायरस जैसे जीका, डेंगू, यू नो डेंगू, चिकनगुनिया एंड येलो फीवर, एंड वॉलबैशिया सेफ फॉर ह्यूमन एनिमल्स एंड द एनवायरमेंट। तो इसमें जेनेटिक चेंज करके दिस थिंग वुड बी यूटिलाइज, ठीक है ना। सो करते क्या है,
अब देखिए, साइंटिस्ट इन्फेक्टेड सम मॉस्किटोज विद वॉलबेशिया एंड देन रिलीज इट इन द सिटीज वेयर दे ब्रेड विद लोकल मॉस्किटोज अंटिल ऑल मॉस्किटोज वर कैरिंग वॉलबेशिया वायरसेस। राइट, दिस इज अ पॉपुलेशन रिप्लेसमेंट स्ट्रेटेजी। पूरी पॉपुलेशन में वॉलबेशिया फैला दिया तो दूसरे वायरस उसके अंदर जा ही नहीं पाए। सो दी हार्मफुल वायरसेस कुड नॉट एंटर इनटू द मॉस्किटोज बिकॉज गुड वायरसेस वर सिटिंग देयर। इज दैट क्लियर? ठीक है ना? सो दिस मेथड डज नॉट ओनली ब्लॉक द डेंगू वायरस बट ऑल्सो मेनी अदर वायरसेस प्रेजेंट इन द मॉस्किटो। मतलब इट इज लाइक अ टेक्निक। इस टाइप से टेक्निक ऐसा हो गया कि आपको अपने बगल में अपने दोस्त को बैठाना था, ठीक है ना, और ताकि वो दुश्मन ना बैठ पाए। वही आपने बैठा दिया उसको, अब दुश्मन आ रहा है, उठो। नहीं, मैं नहीं उठूंगा, मैं तो बैठ चुका हूँ, आई हैव कॉल्ड डिब्स ऑन माई सीट। तो वही चल रहा है, वॉल बेशिज लाइक ये निकल, ये मेरी जगह है, मैं बैठा हुआ वहाँ पे। तो इसलिए ओके सॉरी शक्तिमान, सो दैट इज वॉट दे आर डूइंग हियर। ठीक है ना? डेंगू आई ऑलरेडी टोल्ड यू इज अ यू नो वायरल डिजीज ट्रांसमिटेड मेनली बाय द एडीज एगिफिटी, आपके यू नो मॉस्किटो। ठीक है ना? और इसमें वो क्या एक्सप्लेन करना था? नहीं, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अबाउट बाओबाब ट्री। मैं बाओबाब ट्री बहुत बार अपनी प्लस कोर्स में पढ़ा चुका हूँ। डू यू गाइस नो व्हाट इज एन अफ्रीकन बाओबाब ट्री? कैसा ट्री होता है ये? एनी आइडिया अबाउट द अफ्रीकन बाओबाब ट्री? ये देखिए, दिस इज द अफ्रीकन बाओबाब ट्री। घातक नहीं है ये ट्री है, ऐसा लगता है जैसे कि इसकी जड़ें ऊपर निकल रही है। सो इट्स कॉल्ड एज अ रिवर्स ट्री आल्सो समटाइम्स बिकॉज इट लुक्स लाइक कि उल्टा गाड़ दिया है किसी ट्री को। एंड बहुत मोटा सा तना होता है बिकॉज इट इज इन द सवाना रीजन जहां पे वाटर स्कैसिटी है। सो इट स्टोर्स अ लॉट ऑफ वाटर इन इट्स ट्रंक। सो मोटे मोटे बल्बस होते हैं। सो एक स्टडी पब्लिश हुई है जिसमें बोला गया है कि द ट्री अफ्रीकन बाओबाब हैज 168 क्रोमोसोम्स। ठीक है, अब भाई कोई आपसे पूछने नहीं वाला है कितने क्रोमोसोम्स है, बस पता होना चाहिए बाओबाब ट्री होता क्या है। ठीक है ना? इट इज फाउंड, इट्स अ ब्रॉड लीव्ड ट्री दैट शेड लीव्स ड्यूरिंग द सीजन एंड ये आपका यू नो अफ्रीका सवाना रीजन में काफी पाया जाता है। इट्स कॉल्ड एज द रिवर्स उल्टा ट्री। एक चीज याद रखिएगा, एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं? दीज आर टाइप ऑफ प्लांट्स, राइट, जो आपके ब्रॉड लीव्स जिसमें पाए जाते हैं एंड दे यूजुअली चेंज कलर एंड डाई ड्यूरिंग ऑटम। डेसीडुअस ट्रीज एग्जांपल्स जो है ना आपके, ओके, दीज आर एंजियोस्पर्म्स। अगला है सिग्निफिकेंस ऑफ डेड कोरल रीफ। कोरल रीफ क्या होते हैं गाइस? हमको पता है कोरल्स, I am sure you guys know corals is a symbiotic relationship between coral polyp and zooxanthellae. And yeah, dead coral reefs jo hai wo badh rahe hain because of a lot of things such as pollution, because of sea surface temperature increasing, because of sea level rising, as well as the overall problem of climate change and global warming. Theek hai? So according to recent study in Australia, more life can be supported by dead coral remains than live corals. This is interesting. Keh rahe hain mare corals to bahut sare animals ko sustain kar sakte hain. Theek hai? So what they are doing is they are forming three-dimensional printed coral stacks, and the 3D printed coral, jo hai, they mimic the surrounding reef rubble and invited unwetted reef organisms to be monitored. Basically, the idea is that artificial corals ko introduce karke they are generating these ecosystems of high biodiversity. ठीक है ना? यही है. सो दिस इज जस्ट, ये पता होना चाहिए कि भाई लोग आर्टिफिशियल कोरल्स को यूज करके बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर रहे हैं। कोरल रीफ हम जानते हैं भाई, आपके जो स्केलेटन्स ऑफ कोरल मरीन इनवर्टिब्रेट्स होते हैं कोरल्स, उनके मरे हुए जो शव होते हैं वो एक के ऊपर एक लेयर बना करके बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बना देते हैं, दो कोरल रीफ्स। बाकी नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, हरिकेन नाना आए हैं, छिपकली के नाना कौन? डायनासोर डायनासोर डायनासोर, मुझे गाना याद आ गया, कोई बात नहीं, ऐसी गाना था मेरे को बीच में। हरिकेन नाना है,
सो एटलांटिक हरिकेन नाना हैज मेड लैंडफॉल ऑन द कोस्ट ऑफ बिलीज. ये बिलीज कहाँ है बताइए पहली बात. वेयर इज बिलीज, BELIZE, है कहाँ ये बिलीज? बताइए बताइए बताइए. और गाइस अगर आपको बहुत मजा आ रहा है इन क्लासेस में तो प्लीज यार लाइक बटन दबाना मत भूलिए. डोंट फॉरगेट टू क्लिक द लाइक बटन. क्या है ये बिलीज? बिलीज इज अ कंट्री इन लैटिन अमेरिका. तो अगर आप यहां देखो मेक्सिको के जस्ट नीचे यह बिलीज विच ओपन ओनली टूवर्ड्स दी एटलांटिक ओशन. ठीक है, सो ये ट्रॉपिकल साइक्लोन था. तेजी से समझते हैं, व्हाट इज अ ट्रॉपिकल साइक्लोन? ट्रॉपिकल रीजन्स में बियॉन्ड अबाउट 5 to 6 degrees नॉर्थ एंड 5 to 6 degrees साउथ के बियॉन्ड एंड बिफोर अबाउट 30 degrees नॉर्थ एंड 30 degrees साउथ के जो बैंड एरिया है वहां पे ट्रॉपिकल एरियाज में साइक्लोन जो इकर करते हैं बिकॉज ऑफ इंटेंस हीटिंग ओवर द वॉटर आर ट्रॉपिकल साइक्लोन. ये पानी के ऊपर ही होते हैं. 27 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड इज मोस्ट आइडियल विद लो प्रेशर जोन इन द सेंटर विच लीड्स टू द वर्लिंग ऑफ द एयर एंड जो आपकी ये ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं. ठीक है, सो द नेम इज योर नाम देख लीजिए इज योर हरिकेन नाना जो आपके बेलीज पे पहुंचा था. नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट डॉल्फिन. सो एज द नेम सजेस्ट दिस इज गोइंग टू बी अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट टू कंजर्व द डॉल्फिन. दैट सिंपल एज दैट, डॉल्फिन कंजर्वेशन. ठीक है, सो रिसेंट की आपकी इंडिपेंडेंस डे स्पीच थी, सो प्राइम मिनिस्टर अनाउंस द गवर्नमेंट प्लान टू लॉन्च अ प्रोजेक्ट डॉल्फिन टू कंजर्व द डॉल्फिन. राइट, प्रोजेक्ट डॉल्फिन क्या है? इट विल बी ऑन द लाइन ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर या प्रोजेक्ट एलिफेंट जो इंक्रीज करना चाहता है आपके पॉपुलेशन ऑफ डॉल्फिन को. एंड दिस विल बी इंप्लीमेंटेड बाई द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. आप देख सकते हो गैंगेटिक डॉल्फिन जो होती हैं जो गंगा में पाई जाती हैं, राइट, एंड ब्रह्मपुत्र में पाई जाती है, सांगुरियो में पाई जाती है, इज अ ब्लाइंड क्रीचर. इसको सुसु भी कहते हैं, इट्स कॉल्ड SUSU एज वेल. ठीक है, एंड लगभग 2500 से 3000 पॉपुलेशन आपके इंडिया में पाई जाती हैं. ठीक है, आप ये देख सकते हो इट इज द जो जो आपके सॉरी गैंगेटिक डॉल्फिन हैं दे आर यस दे आर इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट WPA के अंदर. दे आर एंडेंजर्ड अंडर द IUCN स्टेटस. ठीक है, बाकी तो अब हम इसमें और कुछ काम का है नहीं इससे लेकर के डॉल्फिन से लेकर के. हाँ, अगला हम देख सकते हैं बैम्बू क्लस्टर. एक बार जस्ट लेट मी सी इन्वायरमेंट का कितना बचा है. थोड़ा सा बचा है, ओनली अ लिटिल इज रिमेनिंग. लेट्स फिनिश इट क्विकली. ठीक है, सो गाइस आपसे मैं पूछूं बिकॉज फर्स्ट टाइम ये हम लोग क्लास करा रहे हैं ऐसी, इज द पेस फाइन? Do you want me to speed it up or is the pace fine for this class? बताइए. Do you want me to speed it up for in the next classes? Because daily हम लोग क्लास करेंगे तो I would want कि ना ऐसे ऐसे हम लोग तेजी से टॉपिक्स करते चले जाएं सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर के. Pace is good, pace is fine, right? So सही है फिर, because I don't want to do it very fast also and I don't want to do it very slow so that लोग bore हो जाएंगे. Sir, पढ़ ही लेते इतनी देर में तो हम लोग टाइप्स. ठीक है ना, पेस इज गुड, राइट. चलो, बैम्बू क्लस्टर क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर हैज इनॉग्रेटेड 22 बैम्बू क्लस्टर्स. ठीक है, ओके, इन 9 states. सो अब बैम्बू मिशन क्या है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज नेशनल बैम्बू मिशन? 2006 में लॉन्च किया गया था बैम्बू मिशन ऑन द बेसिस ऑफ द नेशनल मिशन ऑन बैम्बू टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड डेवलपमेंट रिपोर्ट. ऑब्जेक्टिव इज टू यू नो आपका बैम्बू इंडस्ट्री को बहुत डेवलप करना. ठीक है, ओके, बैम्बू प्रोडक्शन को बढ़ाना, ऑल्सो कनेक्ट कंजर्व करना जहां पर बैम्बू को कंजर्व करने की रिक्वायरमेंट है, ट्रेडिशनल बैम्बू क्राफ्ट्समैन की अपस्किलिंग करना, एंड फार्मर्स जो हैं उनको भी बैम्बू प्रोडक्शन में और ज्यादा बढ़ावा देना और उनके बैम्बू प्रोड्यूस को मार्केट करना इज द टारगेट अंडर बैम्बू नेशनल बैम्बू मिशन. Guys, just give me a moment. ठीक है, अगला है इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज.
भाई ब्लू स्काईज देखने के लिए आपको क्या चाहिए? क्लीन एयर चाहिए, क्योंकि अगर आपने पॉल्यूशन फैला दिया है तो आपको ब्लू ब्लू स्काई नहीं दिखेगा, द स्काई इज पिंक हो जाएगा। बैड जोक, वेरी बैड जोक। पिंक नहीं हो गया यार, वो तो ग्रे हो जाएगा इनफैक्ट। सो द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट हैज ऑर्गेनाइज्ड अ वेबिनार ऑन द फर्स्ट एवर इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज। ठीक है, वॉट इज दिस इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज? इट्स इन इट्स 74th सेशन UNGA ने अडॉप्ट किया था आपका रेजोल्यूशन टू होल्ड इंटरनेशनल डे फॉर क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज। द एम इज इस अवेयरनेस स्प्रेड करें ताकि लोग पॉल्यूशन कम करें, ठीक है, क्लाइमेट चेंज को हम लोग टैकल करें, इनोवेटिव एंड सक्सेस स्टोरीज के थ्रू हम लोग लोगों को जागरूक करें कि कैसे हम लोग पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं, एंड इंटरनेशनल एक्टर्स को एक टाइप से साथ में लाएं एंड एक एक जन आंदोलन टाइप का एस्टैब्लिश करें सो दैट पीपल ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट अलॉट इन द रिडक्शन इन द क्लाइमेट चेंज। ठीक है, अब यार बाकी तो यार ये सब चीजें अब हम लोग देख ही चुके हैं, वेरियस इनिशिएटिव्स बाय इंडिया टू रिड्यूस द एयर क्वालिटी इंडेक्स, बिकॉज वंस यू स्टार्ट मेजरिंग समथिंग यू स्टार्ट रेगुलेटिंग इट। तो जब तक आपको पता नहीं होगा कि पॉल्यूशन लेवल कितना है तब तक आप हवा में तीर मारते रह जाओगे फॉर रिड्यूसिंग इट। ठीक है ना, सेकेंड क्लीन नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, 102 सिटीज को अक्रॉस 23 स्टेट्स एंड टेरिटरी चूज किया गया है, वहां पे टारगेटेड अप्रोच में उन सिटीज में 20% तक 2024 तक रिड्यूस करना चाहते हैं हम लोग एयर पोल्यूशन लेवल, एंड आपका माइग्रेशन फ्रॉम BS4 नॉर्म्स टू BS6 नॉर्म्स डायरेक्टली विच इज नाउ बीइंग इंप्लीमेंटेड एट अ वेरी रैपिड पेस थ्रू आउट द कंट्री। दीज आर सम मेथड्स दैट हैव बीन टेकन। ठीक है ना, अगला है टाइफून, नाम देख लो यार, हाइशेन टाइफून, माइसा कैन टाइफून हाइशेन। सो टू टाइफून जो है सुपर टाइफून हैं 2020 में जो पैसिफिक में पाए गए हैं, ये जापान और साउथ कोरिया में पाए गए हैं, अगेन दीज आर अगेन दीज ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, टाइफून्स आर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो ट्रॉपिकल एरियाज में पाए जाते हैं, राइट, दीज आर दी जो आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, लो प्रेशर इज रिक्वायर्ड, कोरियोलिस फोर्स इज रिक्वायर्ड, हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड, सी की एग्जिस्टेंस चाहिए, एंड इट के नॉट बी फॉर्म एट द इक्वेटर, इक्वेटर से थोड़ा ऊपर एंड थोड़ा नीचे से ये बनना शुरू होते हैं। ठीक है, ये तो पूरे ज्योग्राफी में पहुंच जाएंगे हम लोग अगर साइक्लोन्स के डिफरेंस डिस्कस करने लग गए, आई विल नॉट डिस्कस दैट। हाँ, बट ये पता होना चाहिए कि हाउ आर द साइक्लोन्स नेम्ड। ठीक है, सो एक है आपका इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन टाइफून कमिटी, वो 14 मेंबर्स जिसमें साउथ कोरिया, जापान, US, चाइना वगैरह होते हैं, ये मिलकर के टाइफून को नेम करते हैं, जैसे इंडिया में होता है, इंडिया, बांग्लादेश, यू नो आपका ईरान, श्रीलंका, म्यांमार, ऑल दीज कंट्रीज आर यू नो टुगेदर इन अ पर्टिकुलर ग्रुपिंग, जो मिल करके यू नो दे गिव अ सेट ऑफ नेम्स ऑफ द फ्यूचर साइक्लोन्स, एंड वो एक एक करके सारे नाम यूज होते रहते हैं, पाकिस्तान वगैरह भी उसमें है। ठीक है ना, So guys, now one thing which I like to discuss more here is the ये देखिए Climate Smart Cities Assessment Framework. So Ministry of Housing Affairs and Urban Affairs ने Climate Smart Cities Assessment Framework CSCAF 2.0 को लॉन्च किया है. What is this? ठीक है ना, the objective is कि holistic climate responsive development 100 smart cities के अंदर लगाया जाए. So it's an integration of smart cities with your you know climate aapka objectives. theek hai na, indicators for the framework are energy and green buildings, 5 sectors mein yahan par 28 indicators honge, urban planning, green cover and biodiversity, mobility and air quality, water management and water and waste management. theek hai, usme aap dekh sakte ho ki har smart city mein ek nodal officer appoint kiya jayega, theek hai, jo fill karega climate smart cities assessment framework form. ठीक है, एंड ही और शी में भी सपोर्टेड बाय डेटा ऑफिसर स्मार्ट सिटी ULBs, तो अर्बन लोकल बॉडीज से भी एक ऑफिसर लेकर के आएंगे, सो दैट देयर इज अ ग्राउंड लेवल करेक्टनेस ऑफ द डेटा. ठीक है, फाइनली गाइस आप देख सकते हो कि वर्ल्ड बैम्बू डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन द 18 सितंबर, एंड द थीम वॉज बैम्बू नाउ. ठीक है ना, दैट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लोगन, बैम्बू नाउ. सो ये आपका प्रीलिम्स में भी सवाल आ सकता है. ठीक है, वर्ल्ड बैम्बू डे जो होता है ये 28 सितंबर को करते हैं, एंड इट इज
इनिशिएटेड बाय वर्ल्ड बैम्बू ऑर्गेनाइजेशन. व्हाट इज वर्ल्ड बैम्बू ऑर्गेनाइजेशन? इट्स एन इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग बॉडी फॉर बैम्बू प्रैक्टिशनर्स डेडिकेटेड टू प्रमोटिंग द यूज ऑफ बैम्बू एंड बैम्बू प्रोडक्ट्स फॉर द सेक ऑफ एनवायरमेंट एंड इकोनॉमी. ठीक है, ये 1992 में बनाया गया था. आई थिंक दैट इज इट, दीज आर द रेलेवेंट आर्टिकल्स. ठीक है ना गाइज, इसी के और टॉपिक्स हम लोग कल 5 बजे करेंगे. राइट, सो टुमारो विल टेक अप साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड द सब्सिक्वेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मे बी वन मोर आर्ट एंड कल्चर, दो चीजों को कंबाइन कर लेंगे. सो दैट सेप्टेम्बर के हम लोग, आई थिंक इट विल टेक 3 क्लासेस टू फिनिश सेप्टेम्बर का, सेप्टेम्बर मंथ का करंट अफेयर्स. आज की क्लास मैंने 1 घंटे की रखी है, टुमारो आई माइट मेक इट 1 hour 10 minutes 15 minutes सो दैट वी फिनिश इट क्विकली एज वेल. आई होप यू गाइस आर एंजॉइंग दिस सेशन, आई होप आपको मजा आ रहा है. प्लीज कमेंट करिए अगर मजा आया आपको, लर्निंग एक्सपीरियंस हुआ है. एंड अगर आप चाहते हो अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना तो यू कैन यूज माई रेफरल कोड टू गेट अ 10% डिस्काउंट ऑन सब्सक्रिप्शन विच इज VCH Live. एंड डू रीच आउट टू मी इफ यू हैव एनी क्वेश्चन एंड क्वेरीज, कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हो. सो कुणाल, आई एम प्लानिंग टू डू इट फॉर द पास्ट 6 months, सो सेप्टेम्बर अक्टूबर नवंबर डिसंबर जनवरी फेब्रुवरी, 6 days 6 months का मैंने टारगेट कर रखा है एज ऑफ नाउ. एंड अगर हम लोग 3-4 क्लास भी ले लें तो 4 into 24 24, तो अगले 1 महीने की जो हमारी क्लासेस होंगी उसमें हम लोग पिछले 6 महीने के सारे करंट अफेयर्स ऐसे कवर कर लेंगे. सो 1 month डेली 1 hour 15 minutes, आई डोंट वांट टू मेक इट अ लॉन्ग क्लास आल्सो, 1 hour 1 hour 15 minutes, कभी कभी हुआ तो 1 hour 30 minutes, मैक्सिमम गया तो कभी मूड हो गया आप लोग का और मेरा तो, बट अदरवाइज 1 hour इज दी बेंचमार्क दैट आई वुड लाइक टू कीप एवरी डे 5 to 6 PM. कूल, चलिए, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, सी यू गाइस टुमारो एट 6 5 o'clock. ठीक है ना.